हमको टैंक के अंदर या तो ऐसे सुधार करने पड़ेंगे कि जिससे कि वो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिससे कि वो इसका जो ड्रोन्स आ रहे हैं या उन पर एरियल हमला होता है वो उसका तोड़ कर सके, उसको बर्बाद कर सके और अपने को बचा सके। देखिए टेररिस्ट लॉन्च पैड तो सब जगह, चाहे वो पीओके में हो चाहे किसी देश में हो, वो बहुत बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक पालने पनपने के लिए आप एक इस तरह की फौज को तैयार कर रहे हैं जो कि छद्म तरीके से लड़ाई लड़ती है, जो सिविलियन बन करके लड़ाई लड़ती है और फौज के साथ लड़ाई लड़ती है। जब से हिंदुस्तान और चाइना का जो ये लड़ाई हुई थी तब से ये चलता आ रहा है और धीरे धीरे वो एक बड़े सोची समझी साजिश के अंदर धीरे धीरे एक इस तरह से कंट्रोल्ड तरीके से वो हमारे इलाकों में कब्जा करता जा रहा है। हिंदुस्तान को भी इनका जवाब इसी तरीके से देना चाहिए। ब्रिगेडियर संदीप काला हूँ, आर्मी के अंदर मैं ब्रिगेडियर था और मैं रोहतक में एनसीसी से ब्रिगेडियर रिटायर हुआ हूँ। जहाँ तक मेरा पैदाइश है वो पौड़ी के अंदर हुई थी। पौड़ी के बगल में हमारा एक गांव है जिसका नाम सुमाड़ी गांव है। उसके बाद मैं सेकंड बटालियन राजपूताना राइफल्स में मैंने कमीशन किया 1982 के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे मैंने विदेश की भी नौकरी की, विदेश में भी था मैं, भूटान के अंदर मैं इंट्राट के अंदर था, वहाँ भी मैं रहा और काफ़ी मैंने विदेशी सेनाओं के साथ मेरा अनुभव रहा और उनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक तो देश के लिए खून बहाने का मौका मिला। सबसे पहले 1995 में हमारी मैं उस समय जेएनके के अंदर तैनात था, कुपवाड़ा सेक्टर के अंदर, वहाँ पर हमारी टेररिस्ट से मुठभेड़ हुई और जिसमें कि वहाँ पर एक स्प्लिंटर मेरे को आँख में लगा। भगवान का लाख शुक्र है कि मैं आँख बच गई तो, और डॉक्टर मेरे को सही टाइम पे मेडिकल हेल्प मिल गई तो मेरे को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो एक तो ये वाकया है, दूसरा 1999 में मेरे को कारगिल की जो लड़ाई है उसमें शामिल होने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। मेरी यूनिट थी 2 राजरिफ, जो उस समय मैं सेकेंड इन कमांड था, यानी कि 2IC था बटालियन का। हमारी बटालियन ने जो हिंदुस्तान की जो सबसे पहली जो विजय है वो हासिल की, उन्होंने वहाँ पर जो टोलोनिंग का जो चोटी थी उस पर कब्जा किया। उसके बाद धीरे धीरे ये विजय का सिलसिला बढ़ता गया और हमारी पूरी सेना ने इसके ऊपर फतेह की। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह नौकरी की और फाइनली 2016 के अंदर मैं फौज से रिटायर हो गया। देखिए लेजर हथियार जो है वो एक बड़ा पिन पॉइंटेड हथियार होता है। पिन पॉइंटेड का मतलब क्या होता है, इसमें कोलेटरल डैमेज नहीं होते हैं। कोलेटरल डैमेज का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक बम फेंका तो बम के अंदर जो आपका टारगेटेड जो एरिया है वहाँ तो नुकसान होता ही है, लेकिन साथ में उसके जो आसपास के जो एरिया होते हैं उसके अंदर भी नुकसान होता है। या अगर लेजर वेपन से मैं इस्तेमाल करूँ तो जो मेरा टारगेटेड एरिया है उसी का नुकसान होगा, बाकी का नुकसान नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बालाकोट के अंदर हमने प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। जो हमारे हवाई जहाज थे जब बालाकोट के अंदर गए तो उन्होंने ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जो सिर्फ उस बिल्डिंग को ही नुकसान पहुंचाएंगे और दूसरी बिल्डिंगों का नुकसान नहीं होगा। जो उसके आसपास सिविलियंस रहते हैं, सिविलियन का इलाका है, उसका नुकसान नहीं होगा। तो लेजर गाइडेड वेपन्स का जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि वही लेजर जो वेपन्स हैं ये एक कोलेटरल डैमेज यानी कि जो आसपास का जो डैमेज है उसको कम करने में बहुत मदद करेंगे, जिससे कि हमको युद्ध को लड़ने में प्रभावी क्षमता हासिल होगी। देखिए मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि टैंक किस लिए बना है। टैंक जो बना हुआ है वो लैंड वॉरफेयर के लिए बना हुआ है, मतलब यानी जमीन की से लड़ाई करने के लिए बना हुआ है। और वो उसके लिए बना हुआ है कि जिससे कि वो दुश्मन की इन्फेंट्री या उनके जो पैदल सेना है उस पर कामयाब हो सके और उनकी जो बख्तरबंद यानी आर्मर्ड जो फॉर्मेशन है उनसे लड़ सके। ये हवाई जहाज से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। अब अगर हवाई रास्ते के ऊपर से इसके कोई वो होता है तो उसके लिए काउंटर करने के लिए हमको टैंक के अंदर या तो ऐसे सुधार करने पड़ेंगे कि जिससे कि वो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिससे कि वो इसका जो ड्रोन्स आ रहे हैं या उन पर एरियल हमला होता है वो उसका तोड़ कर सके, उसको बर्बाद कर सके और अपने को बचा सके। पर आपको ये समझना जरूरी है कि इसके लिए
या तो हम टैंकों के जरिए का काम कर सकते हैं, या इसके लिए अलग से एक हम काउंटर ड्रोन जो है फोर्स हमको तैनात करनी पड़ेगी टैंकों के साथ, जिससे कि वो क्या ऐसा होगा कि जो वो अपने साथ चल रहे हैं तो वो जो ड्रोन उनके ऊपर हम हमला करते हैं, फाइटर अटैक फाइटर जेट्स उन पर अटैक करते हैं, उनका हम तोड़ कर सके। तो इस तरह से ड्रोन काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसका अभी इस्तेमाल हो रहा है। और अभी रशिया और जो ये अभी जो लड़ाई चल रही है इधर, तो उसमें ये काफ़ी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। देखिए जो S-400 जो ये एंटी एयरक्राफ्ट जो वो है सिस्टम है, इसको हिंदुस्तान ने भी एक्वायर किया है रशिया के साथ, और भी काफ़ी देशों के साथ ये प्रचलित अभी उनकी आर्मी में इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो आयरन डोम का आपने इस्तेमाल नाम लिया हो, जैसे इसराइल इसको इस्तेमाल कर रहा है, ये आमतौर पर जो होता है मिज़ाइल और अटैक और जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ इसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं, बहुत सारे सपोर्टिंग आर्म्स होते हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज होती हैं, और तब जाकर के ये कामयाब होता है। तो अगर आपने इनको काउंटर करना है तो सबसे बड़ी बात जो है उसमें आप जो इनकी इंटेलिजेंस जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है वो आपकी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप इनके इलेक्ट्रॉनिक जो आपके जो इनका इलेक्ट्रॉनिक हथियार हैं उन पर आप अटैक कर सको और उनको बर्बाद कर सको। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ये S-400 या कोई भी और दुश्मन का कोई भी इस तरह का या वो इस तरह का हथियार होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स पे अटैक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक्स को अटैक करके बर्बाद कर दिया तो ये हथियार फिर किसी काम पे नहीं रहते। रेंज का एडवांटेज डेफिनेटली मिलता है। अगर आप किसी को 400 मील दूर मार सकते हैं और वो आपको सिर्फ 250 किलोमीटर तक मार सकता है तो इसका आपको निश्चित रूप से फायदा तो मिलता है, लेकिन साथ ही हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हमको इसको जो हथियार है हमारा इसको हम कब इस्तेमाल करें, ये देखना बहुत जरूरी है। तो हम इसको छोटे छोटे जो आजकल के जो सब कन्वेंशनल जो होते हैं लड़ाई होती हैं जिनमें आप एक थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं जाते हो, यानी एक सीमा के ऊपर आप नहीं जाते हो, तो उस समय ये हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हथियार काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं नेचर के और ये काफ़ी बर्बादी करते हैं। तो इनका आप छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट में, जैसे अभी चाइना के साथ हमारा जो वो हुआ था गलवान, उसमें हमने हथियार भी अपने जो राइफल्स थी उनका इस्तेमाल तक नहीं किया गया। तो इस तरह के ये जो अभी आजकल जो वो है उनमें मैं नहीं समझता कि इनमें कोई है, लेकिन यस ये जो एक बहुत बड़ा डेटरेंस है, डेटरेंस का मतलब होता है कि आप उससे वो हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर हमारे पास ये हथियार है तो हम हमारे खिलाफ वो जो एक कन्वेंशनल वॉर होता है उसको करने के लिए वो हिचकिचाएंगे जरूर। उसको करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे कि हिंदुस्तान के साथ ये किया जाए कि नहीं किया जाए, लड़ाई इस तरह की लड़ाई की जाए कि नहीं की जाए। देखिए जो घुसपैठ चीन कर रहा है ये उसका एक बहुत बड़ा डिजाइन है, और ये डिजाइन आज का नहीं है। ये जब 1962 के अंदर जब से हिंदुस्तान और चाइना का जो ये लड़ाई हुई थी तब से ये चलता आ रहा है, और धीरे धीरे वो एक बड़े सोची समझी साजिश के अंदर धीरे धीरे एक इस तरह से कंट्रोल्ड तरीके से वो हमारे इलाकों में कब्जा करता जा रहा है। और उसके अंदर उसने क्या किया है, अभी लेटेस्ट जो अभी खबरें आ रही हैं जो फॉरम के अंदर और अपने जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि उन्होंने धीरे धीरे इस इलाके में अपने गांव बसाने शुरू कर दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि और ये आने वाले समय में उनकी प्रभुता को ये एक निश्चित तौर पे उनको एक बल देंगे, और इस गांव इन गांवों का इस्तेमाल वो सिविलियंस के साथ साथ फौजी जो उनके इदारे हैं उनको भी लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट देने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे उसका। तो इनसे इनके दो पहलू हासिल होते हैं, और सबसे बड़ा जो उनका राजनीतिक सामरिक जो उनका पहलू है वो भी हासिल होता है। सबसे पहले इनको ये हासिल होता है कि भाई इनका जमीन के ऊपर एक लेजिटिमेट कब्जा है, वहाँ पर इनके गाँव वाले रह रहे हैं, और आज से 10 साल बाद बोलेंगे कि भाई हमारे तो गाँव वाले यहाँ पर 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो इनकी बात को एक बल मिलता है। दूसरा जो ये गाँव वाले हैं इनके अंदर वो पुराने फौजियों को और यहाँ पर विशेष सुविधाएं देकर के बसा रहे हैं, उसके साथ साथ उनको ये युद्ध के टाइम पे भी कुछ ना कुछ मदद देने की क्षमता रखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो इंटरनेशनल फोरम के अंदर जो मैं बोला कि राजनीतिक जो उनको फायदा है वो ये फायदा है कि इंटरनेशनल फोरम के अंदर ये लोगों को प्रूव कर सकते हैं, ये सिद्ध कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे ये जो सिविलियंस हैं ये इतने सालों से रह रहे हैं तो ये हमारा इलाका है और इसमें हमारा कब्जा करना एक कोई गलत बात नहीं है, अगर हम अपने इलाके का प्रभुता को हम उसको वो दोबारा से हासिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान को भी इनका जवाब इसी तरीके से देना चाहिए।
अभी आपने देखा होगा कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है। हमारे जो अंतिम जो बोला जाता है कि हमारे गांव हैं उत्तराखंड के अंदर नीति माणा, इनका एक उदाहरण ले लेते हैं हम। नीति गांव से वहां पर धीरे धीरे लोग वहां से जो नौकरी पे लग जाते हैं या अच्छा करना चाहते हैं बाहर निकल रहे हैं। इसी तरह से अन्य गांव से पलायन हो रहा है, जो सीमावर्ती गांव है उनसे पलायन हो रहा है। वहां सिर्फ गांव-गांव रह गए, वहां पर बूढ़े लोग रह गए और वहां पर कोई नहीं है। तो हमको भी यही करना चाहिए कि सीमावर्ती इलाकों के पास जाकर के उन इलाकों को बसाना चाहिए। वहां पर हम उत्तराखंड है, उत्तराखंड का उदाहरण होगा आपको, वहां पर काफी टूरिज्म के बड़े हम इस तरह से कुछ एक काम कर सकते हैं टूरिज्म के लिए कि वहां पर लोगों का आना जाना बढ़े, और आना जाना बढ़ेगा तो वहां पर लोग वहां पलायन वहां का रुक जाएगा। जब पलायन रुक जाएगा तो हमारे को वो एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर वो हमारा इस्तेमाल वो हम उन सिविलियंस को कर सकते हैं। जैसे कि कोई हमारा पाकिस्तान का तो सॉरी चाइना का जो कोई अगर इस तरह का नुमाइंदे हमारे तरफ आते हैं जिनको हमारी फौज डिटेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि बॉर्डर बहुत बड़ा है, पोरस बॉर्डर है, तो कहीं से भी आया जाया जा सकता है। तो इस तरह के लिए हमारी आंख कान का काम ये जो गांव है सीमावर्ती गांव और वहां पर रहने वाली पॉपुलेशन कर सकती है। अगर वहां पर हम एक्स सर्विसमैन को बसाते हैं या उनके लिए कोई ऐसी योजना तैयार करते हैं और वहां पर उनको कार्यान्वयन करते हैं उसका, तो हमको ये हमारे रक्षा में बहुत मदद मिलेगी आने वाले समय में। देखिए ये जो करता था पहले वो जमीन के रास्ते करता था, इस तरह की घुसपैठ अब वो हवाई रास्ते से कर रहा है। तो जब हमने जमीन के रास्ते का पूरा एक इफेक्टिव काउंटर मेजर हमने खोज लिया तो उसके बाद उसने वो रास्ता बदली करके अब हवाई रास्ते से आने लग गया। अब इसका भी काउंटर मेजर खोज लिया गया है। DRDO ने हमारे एक काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल बनाई है जिससे कि इन ड्रोन्स को हम गिरा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा बॉर्डर है हमारा, उसके अंदर कहीं से भी वो आ सकते हैं और हर इन इलाके को इंच को उसको निगरानी में रखना ये बहुत ही मुश्किल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी हमारे और बढ़ेंगे और इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है हमारी आर्मी को BSF को और जो इस तरह की सीमावर्ती जो हमारी फौजें हैं उनको जब हम देंगे तो ये डेफिनेटली होगा। और मैं नहीं समझता ये कोई बहुत बड़ी थ्रेट है क्योंकि आज के दिन में जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी छोटे तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि उनको हथियार भेजने हैं या कोई ड्रग्स की स्मगलिंग करनी है, इस तरह के उसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन हमको इस पर नज़र रखनी है। और अभी आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी कि BSF ने एक ड्रोन को मार गिराया, तो इसी तरह से ये खबरें आती रहेंगी, उनके ड्रोन आते रहेंगे, हम उनको मार गिराते रहेंगे, उनके जो इरादे हैं उनको ध्वस्त करते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज है खासकर अभी छोटे समय। देखिए टेररिस्ट लॉन्च पैड तो सब जगह, चाहे वो POK में हो चाहे किसी देश में हो, वो बहुत बड़ा खतरा रहता है क्योंकि वहां पर आपको एक पालने पनपने के लिए आप एक इस तरह की फौज को तैयार कर रहे हैं जो कि छद्म तरीके से लड़ाई लड़ती है, जो सिविलियन बनकर के लड़ाई लड़ती है और फौज के साथ लड़ाई लड़ती है और एक देश के एक जो उसका रक्षा तंत्र है उसको वो नाकाम करने की कोशिश करती है। तो एक बहुत बड़ा खतरा तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने उसके तरफ क्या कार्रवाई की। जैसे आपने उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक का देख ही लिया है और बालाकोट के अंदर हमारे जो जहाज गए और उन्होंने उसको ध्वस्त किया, वो भी आपने देखा ही है। तो हम कर रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को कि आप एक सीमा से आगे ना बढ़े, अगर इस सीमा से आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसका कि वो वहाँ की तरफ से मेरे को लगता है कि सकारात्मक एक उनका रुझान देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ये हरकतें हैं जो हो रही हैं, जैसे वहाँ पर आटा लूटने की खबर आ रही है कि उनके पास आटा 125 रुपये किलो पहुँच गया है, इससे ज़्यादा पहुँच गया है, और वहां पर एक दूसरे अफरा तफरी का माहौल पड़ा हुआ है। तो ये सब एक इंटरनेशनल तरीके से करने का एक जो हिंदुस्तान ने बीड़ा उठाया उसका सबका फल बन रहा है और इसका डेफिनेटली इन पे फर्क पड़ेगा। और जो पैसा बाहर से आता था पाकिस्तान को वो मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि उसकी अपनी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो उसके लिए ये सोचना समझना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वो टेररिस्ट को इस तरह से जिस तरह से फंडिंग करता रहता है इस पैसे को वहां लगाए या अपने आवाम को आटा या चावल खिलाए उनको खरीद करके। तो ये जब आपके देश के सामने इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो सिविल वॉर से बचने के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान को इसको अपने को इस तरह के ऑपरेशंस हैं इनको टोन डाउन करना पड़ेगा, उसका बहुत बड़ा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा।
देखिए किसी पर्टिकुलर हथियार का रोल बोलना बहुत मुश्किल है कि भाई ड्रोन्स का इस्तेमाल ही होगा, क्योंकि जब एक देश एक दूसरे देश के साथ युद्ध में जाता है तो अपनी पूरी ताकत वो झोंकता है, जैसे कि वो राजनीतिक ताकत क्या है, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है, डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग क्या है, उनकी रक्षा की तरफ कितनी तैयारी की गई है। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना होगा कि ये उचित नहीं होगा कि किसी एक हथियार को हम ये मान के चले कि भाई ये हथियार की वजह से हम जीत जाएंगे या हथियार ना होने की वजह से हम हार जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लड़ाई है वो समग्र रूप से होगी, जिसमें एक छोटे से बच्चा से लेकर के एक फौजी तक और जितने भी हमारे विदेशों में रहने वाले भारतीय फौजी हैं और इस तरह के जो हमारे समर्थक हैं उनका भी काफी हाथ होगा, जैसे कि आपने कारगिल में देखा। देखिए अभी जो खबरें आ रही हैं और जैसा कि हमको विदित है, इनका कोई मिलिट्री जॉइंट वेंचर नहीं है आज, इनका एक दूसरे को राजनीतिक सपोर्ट है, वो चलता रहेगा, वो पहले भी था अभी भी है। और दूसरा, ज्योग्राफिकली इतने अलग अलग और अलग जगह से आते हैं कि इनका एक मिलिट्री वेंचर होना मुझे नहीं लगता कि एक रियलिटी बन पाएगी। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आप एक दूसरे के हथियारों से मदद कर सकते हैं, इसके अलावा एक दूसरे से ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो डिप्लोमेटिक और जो उनके जो पॉलिटिकल एम्स हैं वो अलग अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा हो पाएगा। देखिए अग्निवीर, सबसे पहले मैं आपको अग्निवीर के बारे में बोलना चाहूंगा। जो स्कीम है ये बहुत अच्छी स्कीम है, इस स्कीम का आज ही नहीं, आज से काफ़ी सालों पहले से ये मंथन चल रहा था आर्मी के अंदर, और आर्मी नेवी एयरफोर्स हमारी कटिंग एज है हमारे डिफेंस की, उसके अंदर ये चल रहा था। तो पहले भी ये मुद्दा काफ़ी बार उठाया गया है कि किस तरह से जो हमारी आर्मी है उसका रक्षा में होने वाला खर्च को कम किया जाए और उसका इस्तेमाल एक हम एक यंग फोर्स के लिए, जो हमारी जवान जो है वो यंग रहे, हमारे जो प्रोफाइल रहे वो यंग रहे, इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। और उसमें अब क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है तो ऐसे हमको जवानों की जरूरत पड़ेगी जो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में सक्षम हो। तो ये जो अग्निवीर स्कीम है ये इस तरफ एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। साहसिक मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि काफी दिनों से इसमें मंथन चल रहा था लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। अभी जो बीजेपी की सरकार है उसने ये डिसीजन लिया है और खासकर इसमें प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है इस डिसीजन को आगे करने में। अभी उन्होंने हाल ही में जो अग्निवीरों को संबोधित भी किया और इससे पता चलता है कि उनका इसके प्रति क्या रुझान है, किस तरह से वो कितनी इंपॉर्टेंस इस कदम को देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर जब कोई हमारे पास बड़ी चीज हमारे पास आती है तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अब जिम्मेवारी किसकी बढ़ी है? जिम्मेवारी सबसे ज्यादा बढ़ी है फौज की, सेना की बढ़ी है कि इन जवानों को आप सबसे पहले 4 साल तक आप क्या सिखाते हैं। 4 साल का समय मेरे हिसाब से सीखने के लिए बहुत छोटा समय है, क्योंकि फौज के अंदर अनुभव जो होता है वो ज्यादा काम करता है बजाय हथियारों के और आपके जो प्रोफाइल के। अगर आपका अनुभव अच्छा है और आपका फोर्स यंग है तो आप किस तरह से इसको दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ये अब फौज के लिए, सेना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसको कैसे करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सीनियर कमांडर्स ने इसके बारे में सोचा होगा और उसके बारे में कदम उठाए होंगे और ये उनके प्रशिक्षण से ही शुरू हो चुका होगा ये। और जब वो 4 साल के अंदर जाते हैं वहां से तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम फौज का हिस्सा नहीं है, वो फिर भी फौज का हिस्सा बना रहेंगे। क्या कैसे बने रहेंगे ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो सबसे बड़ी बात आती है कि रेजिमेंटेशन की, रेजिमेंटेशन बोलते हैं कि भाई जब एक जवान नई यूनिट को वो करता है, ज्वाइन करता है, तो उस समय सबसे बड़ी बात क्या होती है, उसका उसे जुड़ना, जैसे कि एक हमारे घरों में बहू जब एक घर में आती है तो वो कितनी देर में उस परिवार के अंदर अपने को उस परिवार का हिस्सा बन सकती है, ये उस बहू के लिए भी और परिवार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसी तरह से इन अग्निवीरों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि 4 साल के अंदर वो रेजिमेंटेशन के उस माहौल में कैसे वो हिल मिल जाए
और इतने हिल मिल जाए कि जब देश देश की जरूरत पड़े कि सर्वोच्च बलिदान देना है तो हिचके नहीं। तो ये एक रेजिमेंटेशन का एक बहुत बड़ा इसमें वो रहेगा। इसके अंदर जितने भी पुराने अनुभवी हमारे कमांडर्स हैं, सिपाही हैं, बड़े और भी बीच के अहदेदार हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा कि किस तरह से इनको अपनी यूनिट का जो आपका जो ट्रेडिशन है, जो उनके आपके इतिहास है, उसके साथ कैसे इंटीग्रेट करना है छोटे चार साल के समय में। और जो लोग वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो तो खैर उनका तो आगे जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन दूसरा बड़ा चैलेंज क्या होगा कि जो लोग बाहर आएंगे उनको आपने कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे उनको आपने एक इस तरह से अनुभव देना है कि भाई आप अभी भी देश का फौज का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर आपका इस्तेमाल किया जाएगा, हमने आपको निकाला नहीं है, आपके लिए हमने ऑल्टरनेटिव रास्ते बनाए हैं। तो इस तरह के कुछ एक चैलेंजेस हैं, अगर ये चैलेंज पूरे हो जाते हैं तो मुझे कोई शक नहीं है, कोई इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से हमको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार और हमारी सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उन्होंने ये चीज़ें जरूर अपने प्लानिंग के अंदर फैक्टर की होंगी।